हेलो लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग, जिसमें मैं जा रहा हूं आपको लेकर फॉक्स लेक या फॉक्स रिजर्वॉयर जो भी है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, फॉगी मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा फॉग है आज। और मैं जा रहा हूं फॉक्स लेक जो कि है जीडी मेटला में हैदराबाद। रात में सुना मैं वहाँ पर के वहाँ के डोर्स तोड़ दिए, डोर्स तो ओपन नहीं, और डोर्स ओपन करने की कोशिश करी लेकिन डोर्स ओपन नहीं हुए, पानी ज़्यादा भरने की वजह से, या जैम हो गए थे डोर्स पता नहीं। तो साइड से कहीं से पानी को रास्ता बना के छोड़ दिए बल्कि सुना मैं, तो सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के आपको भी शेयर किया जाए, क्योंकि सारा शहर परेशान है। तो मैं निकल गया थोड़ा जल्दी, क्योंकि फिर अगर 7-8 बजे अगर मैं निकला तो फिर हमारा ट्रैफिक मालूम है आपको कैसा रहता, डेंजर रहता ट्रैफिक अपना, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया। यहाँ से दोस्त को पिकअप करना है रास्ते में से, फिर उसकी नींद ख़राब करके उसको लेके जाना है, समझिए। तो अभी मैं हूँ मलकपेट में और फॉग बहुत डेंजर है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये तूफ़ान ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर जगह का बहुत बुरा हाल है दोस्तों, बहुत बुरा। अगर आप मेरा बालापुर का वीडियो नहीं देखे तो फौरी जाकर उसको पहले देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो पहला काम वही करिए, बाद में दूसरा काम वीडियोस देख के लाइक करिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग, आप लोग घर पर ठीक हैं, यहाँ पर हैदराबाद में भी, सारे इंडिया में भी, सब लोग अपने अपने घरों में जहाँ पर भी अपने रेसिडेंस होंगे ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है हैदराबाद का। तो कोरोना ब्रेकडाउन के बाद फिर ये जो फ्लड्स आ गए यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा इससे लोग मुतासिर हुए और हो रहे भी। बाबा नगर का बहुत बुरा हाल है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ मैं सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अभी मैं पहुंच रहा हूं मलकपेट, यहां से उठाना है दोस्त को, उसके बाद उसको लेके जाना है जीडी मेटला, और मिलते हैं रास्ते में। इससे पहले मुझे ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूल की, नहीं नहीं ये फ्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पेट्रोल की। अगर आप हैदराबादी है तो आपको पता है कि एक हैदराबादी का फ्यूल क्या होता है सुबह उठते ही, यकीनन चाय। चाय की ज़रूरत है फिल वक्त, गर्मा गर्म कड़क चाय, जिसके बगैर 2 किलोमीटर भी हम सफ़र नहीं कर सकते। पेट्रोल एक पंप को छोड़ के दूसरे पंप पे आप डला सकते, लेकिन चाय आपको जहाँ आप पीते हो वहीं से आपको होना रहता है। तो पहले मेरे दोस्त को उठा लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद हम चाय पियेंगे यहाँ पर, फिर हम बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ जो है जीडी मेटला में। तो चलिए स्विच करता हूँ। तो ये हो रही मेरी रिफ्यूलिंग चाय की, रिफ्यूल करके सीधा जीडी मेटला। ये जो लेक है दोस्तों, आपको पता होगा ये हार्ट शेप लेक है, हार्ट शेप लेक बहुत सारे दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट शेप इसी का है पूरे वर्ल्ड में। अभी जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ वो भी हार्ट शेप का है, देख सकते हैं आप, लेकिन ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ये आ गई है लेक, बहुत मुश्किल से 5 मिनट की परमिशन मिली यहाँ पर, क्योंकि फ्लड सिचुएशन है, पुलिस का गहरा कड़ा इंतज़ाम है, ना मीडिया को जाने दे रहे, ना किसी और को जाने दे रहे, बड़ी मुश्किल से।
5 मिनट की परमिशन मिली। यही लेक है आई थिंक। हमें चलो इधे इधे ओके रोक दो वहाँ तक लेके जाते गाड़ी से वीडियो लेते। हाँ ये देखिए फ्लड सिचुएशन है यहाँ पर, देख के ऐसा दिख रहा तो नहीं लेकिन इसके नीचे पानी होगा फुल, और आसपास के एरिया में शायद फ्लड्स आए भी इसकी वजह से। इसीलिए किसी को भी आने नहीं दे रहे यहाँ पर, बड़ा चेक पोस्ट डाल के रखे पुलिस उधर। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पर, पीछे है ब्यूटीफुल सनराइज ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। आगे कुछ लोग, आगे भी पुलिस है ज़रूर, वहाँ पे रुकाते हैं उन लोग कैसा भी। फ्लड सिचुएशन बोल के बोले यहाँ पे पुलिस वाले, तो इसीलिए यहाँ पे पब्लिक नहीं दिख रही मेरे को। नहीं तो ये टाइम सनराइज़ के टाइम बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है अपने ऐसे स्पॉट को, तो नहीं छोड़ती पब्लिक फ़ोटोज़ लेने के लिए। सही रहती है जगह बिल्कुल। सामने क्या है व्यू पॉइंट दिख रहा कोई, जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं रहता क्योंकि पुलिस वहाँ पर है। अगर आप देख रहे पुलिस को तो मैं आपको दिखा देता हूँ पुलिस, ये है पुलिस, ये देखिए पुलिस ठहर के इंतज़ार में अगर कोई आए तो वापस भी जाने के लिए। नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है मगर फिल वक्त झाड़ा इतने उगे हुए हैं, वीड वीड है क्या है पता नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, आगे फॉग दिख रहा, बर्ड्स है बहुत सारे, वो है ग्रेट ब्लू हेरन, ये और ग्रेट ब्लू हेरन, ये देखिए ग्रेट ब्लू हेरन जा रहा। यहाँ पे कुछ टेंट्स है किसके है पता नहीं, ये लोग हैं ये सामने जो आ रहे हैं, इन लोग ये टेंट्स में ही रह रहे शायद। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों ये, आगे चल के एक ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट बन सकता, या फिर काम इस पर शायद चल रहा बनाने के लिए मेरे ख्याल से। और ये मेरे ख्याल से पानी को रोकने की चीज़ है, इसको अगर नेटिव लैंग्वेज में कट्टा जो बोलते, जो बालापुर का जो ब्रेक हुआ डैमेज हुआ कोलैप्स हुआ, ये मेरे ख्याल से वही है। क्योंकि इसके आगे देखिए आप, यहाँ पे घर नज़र आ रहे पूरे, यानी यहाँ पे आबादी है, तो पानी को रोकने के लिए ये चीज़ है, ये रोड भी है और बैरियर भी है पानी का। फ्लड सिचुएशन बार बार बोला बोले पुलिस वाले, इसीलिए 5 मिनट में निकलने के लिए बोले, 4 मिनट 30 सेकंड का वीडियो मेरा हो गया, तो चलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से। अच्छा दिखा के बहुत रोड रास्ता बहुत कच्चा है और अच्छा है, यहाँ के हिसाब से इतना ख़राब नहीं है रास्ता, लेकिन इन एरिया वालों को ये अगर पानी नीचे जाता तो फिर सेम बाबा नगर का हाल हो जाता है। इधर जब ये फ्लड्स ख़त्म हो जाएंगे तो जब आप आइए, पानी का लेवल भी नॉर्मल हो गया तो आप आ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और विंटर के बाद ये झाड़ भी ख़त्म हो जाते और नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता। तो चलिए मैं अभी इसको साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से और पढ़ता हूँ एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। पानी क्यों दिख रहा
पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये लोकल्स, फिट लोकल्स। थैंक यू सर, बाय। विंटर के बाद बहुत खूबसूरत रहेगा ये मंज़र, या फिर जनवरी में ये कट्टा अगर टूटा तो फिर ये पूरे बस्ती में पानी। कोई ये कट्टा कम रोड है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल उम्मीद के साथ। ये हमारे पुलिस वाले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। परमिशन दिए 5 मिनट की। चलिए एग्जिट पॉइंट आ गया हमारा। ये ऑफ रोड से यहाँ पर खतरनाक एक्सपल्स आँख बंद करके चले जाती इस पे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको। हाँ तो मैं बोल रहा था ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल सोच, ब्यूटीफुल दुआ के साथ के हैदराबाद से और इंडिया से ये बला टल जाए, मुसीबत टल जाए और सुकून वापस आ जाए। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड सुकून रहो, फ्लड से रहो या इकॉनमी से रहो या किसी और चीज़ से, यही दुआ के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास का सब लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू।